नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कैंसर के लास्ट स्टेज पर पहुंचने का मतलब ये है कि हर तरह के इलाज के बावजूद कैंसर ठीक नहीं हुआ है। कई बार समय पर पता चलने के बाद भी कैंसर लास्ट स्टेज तक चला जाता है और ये बहुत ही दुखदायी स्थिति होती है। कैंसर जब लास्ट स्टेज पर पहुंच जाता है तो शरीर में कई तरह के बदलाव होने लगते हैं, जैसे कि हमेशा थकान महसूस होना, भूख न लगना, कन्फ्यूजन की स्थिति होना और दर्द वगैरह। तो आज इस वीडियो में हम कैंसर के लास्ट स्टेज के लक्षणों के बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों बात की जाए कैंसर के लास्ट स्टेज में दिखने वाले लक्षणों की, तो कैंसर के लास्ट स्टेज पर पहुंचते ही हो सकता है कि कुछ समय तक व्यक्ति को कोई बदलाव न महसूस हो, लेकिन जल्द ही व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। कैंसर के लास्ट स्टेज के लक्षण में हमेशा थकान महसूस होना, भूख न लगना, कन्फ्यूजन की स्थिति और दर्द होना वगैरह शामिल है। सबसे पहले बात की जाए हमेशा थकान महसूस होने की, तो कैंसर के लास्ट स्टेज तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति को बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है। व्यक्ति भले ही चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहे, लेकिन कैंसर उसके शरीर से लगभग सारी ऊर्जा को सोख लेता है। दिनों दिन व्यक्ति की थकान और कमजोरी बढ़ती जाती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए भूख न लगने की, तो कैंसर की वजह से शरीर खाने पीने वाली चीज़ों का सही तरीके से इस्तेमाल करना बंद कर देता है। इसके बाद व्यक्ति का वजन नहीं बढ़ता और न ही उसे पोषक तत्व या एनर्जी मिलती है। वहीं कैंसर के लास्ट स्टेज तक आते आते व्यक्ति का शरीर उसे कहने लगता है कि उसे फूड या लिक्विड किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है। उसके बाद बात की जाए कन्फ्यूज़न की स्थिति की, तो कई कारणों की वजह से व्यक्ति कैंसर के लास्ट स्टेज तक पहुंचते पहुंचते शंका के घेरे में रहने लगता है। दरअसल कैंसर के लास्ट स्टेज पर पहुंचने के बाद ब्रेन को पर्याप्त ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, और जिसकी वजह से वो अलर्ट नहीं महसूस करता है। और ये भी संभव है कि कन्फ्यूज़न दवाइयों का एक साइड इफ़ेक्ट हो या फिर दवाइयाँ लेना बंद करने के बाद ये असंतुलन आ गया हो। उसके बाद दोस्तों बात की जाए दर्द की, तो अन्य स्टेज की तरह कैंसर से दर्द तब हो सकता है जब कैंसर टिश्यूज़ पर कब्जा कर लेता है या जब ट्यूमर हड्डियों, नसों या अंगों पर दबाव डालता है। कुछ ट्यूमर ऐसे केमिकल छोड़ते हैं जो दर्द का कारण बनते हैं या शरीर को दर्द में रिएक्ट कराने का कारण बनते हैं। पेन मैनेजमेंट के लिए हेल्थ केयर टीम की मदद ली जा सकती है। और उसके बाद बात की जाए निगलने में दिक्कत होने की, तो कैंसर के लास्ट स्टेज तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति को खाना निगलने में दिक्कत होने लगती है। वो इतनी कमज़ोरी महसूस करने लगता है कि वो किसी भी चीज़ को निगल पाने में समर्थ नहीं होता। और ये भी संभव है कि इस समय ब्रेन से निकलने वाले संदेश एसोफेगस तक न पहुँच रहे हो। एसोफेगस शरीर का वो हिस्सा है जो मुँह को पेट से जोड़ता है, और इस समय हेल्थ केयर टीम लिक्विड या सॉफ्ट फूड खाने की सलाह दे सकती है। तो दोस्तों कैंसर का जो लास्ट स्टेज होता है वो किसी भी व्यक्ति और उसके साथ के लोगों के लिए बहुत कष्टकारी होती है, लेकिन इस सच को स्वीकार करना ही पड़ता है। हमेशा थकान महसूस होना, भूख न लगना, कन्फ्यूज़न की स्थिति, निगलने में दिक्कत होना जैसे लक्षण कैंसर के लास्ट स्टेज के तौर पर माने जाते हैं, और इन लक्षणों को मैनेज करने के लिए डॉक्टर की सलाह ली जानी चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।